अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चीज़ी चिकन लॉलीपॉप बनाना सिखाऊंगी, देख सकते हैं आप। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की। एंड तक रेसिपी को देखिए। आइए मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ, ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत मज़े की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यह चिकन चीज़ी लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ चिकन ले लिया है। सबसे पहले चिकन हमने ली है आधा किलो। आधा किलो चिकन को हमने बोनलेस करवा लिया है और करवा लिया था, उसके बाद हमने इसका कीमा निकाल लिया है। या मैंने चार पांच हरी मिर्चें ली हैं बड़ी और इसको कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हमने इसके। या एक बड़ी प्याज ले ली थी मैंने, उसको भी कटिंग कर लिया है। और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। या हमारे पास सोया सॉस है और विनेगर है, ये भी हम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास काली मिर्च और नमक है, काली मिर्च। और यहाँ मैंने चीज़ के देखें स्लाइसेस ले लिए इस तरीके से, क्योंकि लॉलीपॉप हैं तो हम इस तरीके से चीज़ को कटिंग कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास ना बारबी और यहाँ हमारे पास बारबेक्यू स्टिक्स हैं, ये हमने ले लिए हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कीमे को पीस लिया है प्याज और हरी मिर्चों के साथ। देखें इसकी ये पोजीशन है। मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं अब हम। 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी सी कुटी भी रखी हैं, पूरी बारीक नहीं रखी हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। 1 टेबल स्पून हम चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। 4 टेबल स्पून मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर विनेगर ऐड करूँगी, यानी कि हम सिरका शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। 7 ही इसके मैं शामिल कर दूँगी सोया सॉस, ये भी हम 2 टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं, अब हम मिक्स करेंगे कीमे को अच्छे से। ये देखें मेरे पास बारबेक्यू स्टिक्स थी, उस पर मैंने चीज़ का स्लाइस लगा दिया है। अब हम कीमा लेंगे और चारों तरफ से हम कीमा लगा देंगे स्टिक्स पे, हाथों की मदद से जमा जमा के लगाएंगे हम। ये देखें एक लॉलीपॉप मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अंडे में लगाऊंगी और फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। एक साइड पे लगाते रहेंगे, फिर मैं दूसरा बना लूँगी। ये देखें एक लॉलीपॉप मैंने फ्राई के लिए डाल दिया है, अब हम दूसरा डाल रहे हैं। दूसरा भी डाल दिया है मैंने। इसी तरीके से हम 3-3 करके इसे फ्राई करेंगे ताकि पॉप टूटे ना। एक साइड से ये जैसे शैलो फ्राई हो जाएंगे हम पलट देंगे साइड को। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पॉप्स फ्राई हो चुके हैं, कलर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ मेरा लॉलीपॉप रेडी हो चुका है। अब मैं इसे तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। वाओ, देख रहे हैं आप कितना यमी लग रहा है चीज़। आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, मेल्टेड चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। यदि मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए कुकिंग क्लासेस विद साइमा अज़हर। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।